Good morning, students. Today we are doing our work of 8th standard, chapter 1st, second video of science. So, in the starting of the chapter, our chapter is crop production and the management. आपको पता है हमारा जो chapter है कि फसलों का उत्पादन कैसे होता है और उनका रख रखाव कैसे होता है, ठीक है? So, as you know, I have already explained you about the crops, different types of crops, okay? So today we are doing types of crops. So different crops grow well in a different season of the year. जो फसलें होती हैं वो different year में उगाई जाती हैं. A crop may grow in a well in rainy season during a summer and but may not grow in a winter. अब हर चीज़ का एक fixed time होता है, okay? As you know, like हम winter में क्लोथ्स क्यों डालते हैं? क्योंकि सर्दी है. Winter के क्लोथ्स गर्मी में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते. Why? Because according to season, same as फसलों का भी टाइम होता है. लाइक गर्मियों में उगाई जाती हैं, कुछ सर्दियों में. अगर हम गर्मी वाली फसल सर्दी में नहीं उगा सकते, सेम एज सिमिलरली अनदर क्रॉप मे ग्रो वेल इन विंटर सीजन बट नॉट इन अ रेनी सीजन. सो सम विल बी ग्रो इन विंटर बट नॉट इन अ रेनी सीजन. तो जो सर्दी में उगती है उसे बरसात वाले मौसम में नहीं उगा सकते. बेस्ड ऑन द सीजन्स, ये किस पर डिपेंड करता है? सीजन्स पे. ओके, ऑल द क्रॉप्स आर कैटेगराइज इन टू टू मेन ग्रुप्स. ओके, सो इन्हें किसे टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. सो सिक्स मंथ्स फॉर दिस एंड सिक्स फॉर दिस. ओके, सो रबी क्रॉप्स टू कैटेगरीज में डिवाइड किया. ओके, द क्रॉप विच आर शोन इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ. जो क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन अ रेनी सीजन, जो बारिश के मौसम में बोई जाती है उसे क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल. ओके, द रेनी सीजन इन इंडियन जनरली फ्रॉम सेप्टेम्बर. तो कब होता है? जून टू सेप्टेम्बर. एज यू नो, जून टू सेप्टेम्बर. तो ये फसल कब उगाई जाती है? जून टू सेप्टेम्बर. द सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप स्टार्टेड इन जून जुलाई. ओके, सो इनकी मतलब जून जुलाई में इनकी स्टार्ट हो जाती है बिजाई. एट द बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज ऑफ दीज क्रॉप्स नीड्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि इसे पानी की ज़रूरत होती है. द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन ड्यूरिंग सेप्टेम्बर और अक्टूबर. तो ये काटी कब जाती है? अभी ने बोला कि जून टू सेप्टेम्बर. ओके, तो द मानसून सीजन ड्यूरिंग द सेप्टेम्बर. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन. तो ये सब कब बोई जाती हैं? एट द स्टार्टिंग ऑफ जून टू सेप्टेम्बर और अक्टूबर तक. इन्हें अक्टूबर और नवंबर तक ओके काट लेते हैं. द खरीफ क्रॉप्स आर समटाइम इज कॉल्ड समर क्रॉप्स, इन्हें समर क्रॉप्स भी बोलते हैं. ओके, प्लीज नोट द पैडी इज अ राइस स्टिल इन द हस्क. तो जो धान का भूसा होता है ना उसे बोलते हैं हस्क. ओके, पैडी. सो पैडी इज द राइस स्टिल इन द हस्क. तो पैडी बाजरा हो गया, ठीक है. सो पैडी क्रॉप इज अ गिव्स अस राइस. तो हमें क्या मिलते हैं? राइस मिलते हैं. इन द इन अदर वर्ड्स, पैडी इज अ राइस क्रॉप. पैडी इज अ ग्रोन ओनली द रेनी सीजन बिकॉज, सॉरी, धान की फसल होती है. ओके, पैडी उसे बोलते हैं. तो हम क्या करते हैं? उसे रेनी सीजन में उगाते हैं क्योंकि उसे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. ओके, रिक्वायर लोट ऑफ वाटर, उसे पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है. पैडी कैन नॉट ग्रो इन अ विंटर सीजन, वो सर्दियों में नहीं उगाती बिकॉज देयर अवेलेबल इन अ वाटर मच लेस, और सर्दियों में पानी की कमी होती है. ऑन द अदर हैंड द वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन. ओके, वीट, एज आपको पता है कनक की बिजाई भी कब की जाती है? खरीफ सीजन, यानी कि गर्मियों के टाइम में. ओके, इट विल नॉट ग्रो वेल. ओके, इट विल नॉट ग्रो वेल. दिस इज बिकॉज वीट प्लांट्स कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर इन द रेनी सीजन. तो जो क्योंकि इनकी ये क्यों नहीं कर सकते, वीट की फसल होती है. ऑन द अदर हैंड, जो कनक की फसल होती है या फिर गेहूं जैसे बोलते हैं, वीट इज सोन इन अ खरीफ सीजन, इज इन द खरीफ सीजन, इट विल नॉट ग्रो वेल. दिस इज़ बिकॉज द वीट प्लांट्स कैन नॉट बी टॉलरेट टू मच वाटर इन अ रेनी सीजन. तो वो क्या करते हैं? पानी को टॉलरेट नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा अमाउंट में. सो द क्रॉप्स दैट ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी फसल. ओके, सो टाइम पीरियड ऑफ द रबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. द सोइंग द रबी क्रॉप्स बिगिन एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर. सो क्या करते हैं? विंटर की स्टार्टिंग में करते हैं, अक्टूबर और नवंबर में. ओके, जब वो फसल कटेगी तभी ये बोई जाएगी ना. एंड द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय मार्च. और कब काटी जाती है? हार्वेस्टेड काटना होता है, कब काटी जाती है? मार्च में. ओके, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, चना, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसेड. ओके, जो ये फसलें कब उगाई जाती हैं? सर्दियों में. इन द पीपल हु आर परमानेंट होम्स ऑफ द कंटिन्यूसली मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड नोमाडस एंड वंडर. टिल अबाउट 1000 BC पीपल वर नोमैडिक. कुछ लोग ऐसे थे पहले, चलवासी पशु बोलते, चलवासी लोग बोलते थे जिन्हें.
जो क्या है मतलब वो ऊंचे इलाकों में रहते थे और ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण वो अपना घर छोड़ देते और घूम तो होते थे वो घूम के अपना गुजारा करते। देवर कंटिन्यूसली मूविंग इन अ ग्रुप्स वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो किस लिए अपना घर छोड़ते थे? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। कैसे? लाइक हिमाचल, ओके, वहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है जिस कारण से वहाँ के जो मतलब जो पशु जो वगैरह रखते हैं वो कहाँ जाते हैं? नीचे वाले एरिया में। दिस नोमैडिक पीपल रॉ मटेरियल्स एंड वेजिटेबल फाउंड इन नेचर एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो वो क्या करने लग जाते हैं आके अपने पशुओं मतलब द रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फाउंड इन द नेचर, जो उन्हें नेचर से मिलता है वो खाते हैं, अदरवाइज वो करते हैं हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो जानवरों को मार के खाना स्टार्ट है। लेटर द सेटल नियर द सोर्सेज ऑफ द वाटर सच एज रिवर कल्टिवेटेड लैंड्स प्रोड्यूस वीट। तो ऐसी उपजाऊ जमीन के आसपास रहते हैं, नदियों किनारे बसते हैं। इधर द अदर फूड क्रॉप्स, दिस इज हाउ एग्रीकल्चर वॉज बॉर्न। तो वो बताते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर बन, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड लाइक वीट राइस कॉल्ड एग्रीकल्चर। इन फसलों को उगाना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज खेती बाड़ी, इज कृषि इन हिंदी। वी विल नो डिस्क्राइब द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, सो वी आर वेर नोन विद द एग्रीकल्चर। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होती है। फसलें जिन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वी आर टेकिंग अ रिविजन ऑफ दैट, खरीफ फसल और रबी फसल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज क्रॉप्स, यू नो अबाउट दिस। देन आफ्टर दे विल डिवाइड इन टू टाइप्स, खरीफ फसल एंड रबी फसल। खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? एट स्टार्टिंग ऑफ जून टू सेप्टेम्बर। और इसकी कटाई कब की जाती है? हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मूनसून सीजन ड्यूरिंग लाइक अ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर तक इसकी कटाई हो जाती है। एट द सेकेंड रबी क्रॉप, रबी क्रॉप्स दे विल स्टार्ट सोइंग एट द स्टार्टिंग ऑफ मार्च, सॉरी अक्टूबर टू नवंबर, एंड हार्वेस्टेड इन द एंड ऑफ मार्च, इन द स्टार्टिंग और एंड ऑफ मार्च। ओके, आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स।